डर का साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। फियर, फोबिया, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर, ये सभी को होता है। देखिए, 3-4 साल का बच्चा है, उसको कोई डर नहीं रहता। वो बेफिक्र रहता है, खेलता है, कूदता है, कहीं जंप करेगा, कोई कुछ करेगा, और उसको कोई डर ही रहता नहीं। हम उसको सिखाते हैं, अरे उधर मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये होगा, उधर जाएगा तो गिर जाएगा, उधर मत चढ़, इधर मत चढ़, वो चढ़ना बंद कर देता है, उसको डर लगने लगता है। तो एक्चुअली डर लगता कैसे है, कुछ तो भी हो जाता है, कोई तो भी घटना हो जाती है, और वहां से फिर हमारे ब्रेन में कोई पैटर्न तैयार हो जाते हैं, कुछ पैटर्न तैयार होते हैं। देखो, हमारे पंचेंद्रिय जो है, पंचेंद्रिय कौन से है? एक तो है आंख, कान, नाक, जीवा, जीप और चमड़ी, त्वचा। तो इससे सेंसरी मोटर परसेप्शन अंदर जाते रहते हैं, मतलब बाहर से वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है वो अंदर जाते रहता है, ये पंचेंद्रियों से अंदर जाता है, दिमाग में जा रहा है। वो सेंसरी मोटर परसेप्शन है, वो अंदर जाता है दिमाग में, और वहां से वो जाता है ब्रेन का जो सामने वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां जाता है, वहां थॉट्स होते रहते हैं। और वहां का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम से, जो टेम्पोरल लूम है, मतलब ये बाजू है ब्रेन की, और वहां इमोशंस तैयार होते हैं, मतलब भावना का ब्रेन, भावनाओं का जो ब्रेन है वो यहां है, इमोशनल ब्रेन यहां है, लॉजिकल ब्रेन ये है। तो लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के कनेक्शन पैटर्न्स एक तैयार हो जाते हैं, और वो पैटर्न जो है वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, और वो पूरे बॉडी को फिर इंपल्सिस दे देते हैं। तो एक पैटर्न, एक कॉग्निशन, एक विचार और उसके साथ साथ भावना है, ऐसी जुड़ जाती है, एक पैटर्न तैयार हो जाता है, और वो पैटर्न इतना हाइपर हो जाता है, इतना एक्साइट हो जाता है कि वो पूरे बॉडी को सेंसेशन देता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, मतलब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे पूरे बॉडी को वो संदेश देते रहता है। क्या होता है, जब घबराहट हो जाती है, एक पैटर्न वो स्टिम्युलेट हो जाता है, हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कोई मर गया है, अटैक से मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एकदम घबराहट आ गई, क्योंकि वो हम सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी होगा ऐसा, तो अंदर जाता है वो फटाफट, इतना फास्ट हो जाता है वो कि लॉजिकल ब्रेन में जाएगा, वहां से इमोशनल ब्रेन में जाएगा, और वहां से खड़खड़ खड़खड़ पूरे बॉडी में वो इम्पल्सेस जो है, नॉन इम्पल्सेस, वो पूरे ट्रांसमिट हो जाएंगे। इधर हमारा सीने में धड़कन धड़ 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 छाती में हो जाएगा, हाथ कांपेंगे, पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएंगे, और पूरे 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 बॉडी सेंसेशंस वहां हमको दिखाई देंगे। मतलब क्या होता है कि कोई भी घटना जो है उसके दो परिणाम होते हैं, एक तो मानसिक परिणाम होता है, दिमाग में उसके पैटर्न्स तैयार हो जाते हैं, कॉग्निशंस तैयार हो जाते हैं, दिमाग में साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका, ब्रेन में इफेक्ट हो जाता है, वहां पैटर्न्स तैयार होते हैं और वहां से फिर पूरे बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरे पास में कोई आता है कि मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है, डर बहुत लग रहा है, घबराहट होती है, फोबिया है, पैनिक अटैक आ रहा है, जो भी कुछ है, तो हम उसको दवा देते हैं। जब हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन क्या काम करती है, मेडिसिन काम करती है जो फिजिकल सेंसेशन है, फिजिकल सेंसेशन मतलब पसीना आना, हाथ कांपना, धड़कन होना, घबराहट होना, बेचैन, उसके ऊपर वो काम करती है, और उससे एकदम बॉडी को शांत करती है तो अच्छा लग जाता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं हम क्लोनेंजेपाम लेते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रोप्रानोल दवाई लेते हैं तो एकदम शांत लगता है, क्योंकि वो बॉडीली इफेक्ट जो उसका आया हुआ है वो पूरा नलीफाई करने का काम ये दवाइयां करती है। फिर क्या दवाइयां, ये जो ब्रेन में जो ऑल्टरेशन हुआ वो करती है ठीक? बिल्कुल नहीं, वो नहीं करती। ब्रेन का तो जो पैटर्न बना हुआ है वो वैसे बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो पैटर्न जो है एक वो कंडीशनिंग हो चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, एक कनेक्शन तैयार हो गए ब्रेन में, वो तोड़ने का काम हमको एक तो साइकोथेरेपी से करना होगा, काउंसिलिंग उपचार, मानसोपचार, हिप्नोथेरेपी, जैसा विजुअलाइजेशन हम करते हैं हिप्नोथेरेपी में, और विजुअलाइजेशन करवा के, या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT करवा के, या REBT करवा के, या बातचीत करके, उसके जो एक्शंस और रिएक्शंस ब्रेन के, कोई तो भी इवेंट होता है और वो इवेंट कुछ ना कुछ अंदर स्टिमुलेट कर लेता है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि अनदर और एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट रहता है, वो है मेमोरी बैक। अब वो क्या होता है कि कभी मैंने एक्सीडेंट देख लिया, सुन लिया, अब क्या हो गया, वो तो सुन लिया ठीक है, अब ये मेमोरी बैग में जो पुरानी एक्सीडेंट की मेमोरी है ना, वो भी उस समय स्टिमुलेट हो जाती है, वो भी आ जाएंगी कि देखो पुरानी ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कोई डेथ हो गई थी, ये अभी भी मैं एक्सीडेंट देख रहा हूं, वो पुरानी यादें खटाखट एक्टिवेट हो जाती है, मतलब वो मेमोरी बैग से मेमोरी भी निकलेंगी, कल्पना भी निकलेंगी, कुछ तो भी वहां से स्टिमुलेशन निकलेगा, ये मैं देख रहा हूं यहां से भी निकलेगा, सब जाएगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
वहां से जाएगा लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के अलग हिस्से में, इतना फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये मेरे को बोलने के लिए वो टाइम लग रहा है फटाफट, और वहां से भी धर 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 शुरू हो जाएंगे, घबराहट शुरू हो जाएंगे। तो हमको ये जो दिमाग में जो ऑल्टरेशन करना है वो साइकोथेरेपी से, हिप्नोथेरेपी से होता है। हिप्नोथेरेपी में हम विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, बार 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 सजेशन देके सबकॉन्शियस माइंड को हम सजेशन देते रहते हैं और वो पैटर्न जो बने हुए हैं वो तोड़ते रहते हैं। एक तरह से ये ब्रेन को चीटिंग है, हम ब्रेन को चीटिंग करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को चीटिंग करते हैं। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस चीट करेगा और चीटिंग करके फंसा के कि नहीं भाई कुछ हुआ नहीं, डर मत, विजुअलाइज कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड, और उससे फिर फायदा होता रहता है। तो हम दोनों इलाज करते हैं, एक तो बॉडीली इफेक्ट जो है वो ठीक करना पूरे बदन के ऊपर बाय गिविंग मेडिसिन, दवाइयां देके, और दिमाग के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है वो नलीफाई करना है साइकोथेरेपी हिप्नोथेरेपी से, और पेशेंट ठीक हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लोगों को शेयर करो। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।